जोहार जय धर्मेश। और तुहिन कैसन हो? होप सो तुहिन सब कोई बढ़िया होबा। तो एखन हम इनके देख से खाना तुहिन एकदम इकर देख के तुहिन के पता चला था कि हम इन क्या करे जाती हो। आज से ठीक 9 दिन में क्या बोलते ना भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन हम इनकर अखड़ा में करम गड़ात हूँ और हम इन करम देवता कर पूजा करबई, पूरा सेवा करबई। तो जैसे कि हम इन हमार गांव में जैसे एकदम हर्ष उल्लास और पूरा एकदम कर्मा पूजा ले हमके लागल तो इनकर गांव में भी सब ऐसने होते हो। तो आज हम इन कर्मा कर शुरुआत हम इनकर 9 दिन पहले ही हो जाओला, क्योंकि 9 दिन पहले हम इनकर कर्मा कर जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जे जिके जावा हम इन कहेला, जे जावा हम इन धरिएला, जे कर्मा पूजा में सबसे पहला चढ़ौला जे चीज़ हो जो चढ़े कर वो जावा ही लागो जे हम इन कर्मा देव के सबसे पहले अर्पित करिएला। तो वह जावा के आज हम इन उठाबई और हम आज तक पूरा तो इनके पूरा दिखाबो कि कैसे जावा उठौला और क्या क्या नियम हो और कैसे हमर हम अपन गाँव में ये सब करिएला, हम इनकर गाँव में क्या नियम चलौला। बाकी जैसे हम इनकर तो सब रीति रिवाज तनी सब अलग अलग हो, जगह के अनुसार तनी कुन बदलौला, गीत बदलौला, नाच बदलौला और रीति रिवाज भी तनी कुन बदल जाओला। तो आज हम इन देखबे कि हम इन कैसे जावा उठेला और देख सके ना पूरा सामग्री हो और अभी हम चलबे अखरा के तरफ। तो चला तो एखन हम इन आ जाइ अखरा, ये हम इनकर अखरा लागो। तो देख सके ना अखरा में तनी सुन धान उन सुखा कर भी काम चले लागो, कह के बहुत अच्छा धूप पड़ा था आजकल तो यहाँ पूरा साफ उप तो हो जाओ। यह हम इनकर लागो अखरा और दम इनका सरना झंडा और यह जगह हम इनकर पूजा होला। और बाकी कुछ कुछ चीज़ हमें एखन नहीं लाइन हो, कुछ कुछ चीज़ तो लेके आ जाइयो पर बाकी वाला चीज़ एखन नहीं लाइन हो कि हम इन जाबई और लेके सब चीज़ इकट्ठा करबई उसके बाद शुरुआत करबई हम। बस बने रहा हमारे साथ और देखते रहा कि हम इन क्या क्या करियो और क्या क्या लाने जाते हैं। ठीक है। तो इन्हें हम इनकर बहुत कुछ आ जाओ, इकर में हम इन बालू मंगाई बड़ी दूर से, कहे कि बहुत साफ बालू हम इनके चाहिए अच्छा। और देख सका ना दो गो मजदूर मन के एकदम पूरा हम इन कह लियो कि ले के आना बाबू लकड़ी अथी डंटा, तो ले के आते ना अरे डंटा लागो का बोलते ना थेथा डंटा आ पूरा लाए के लाइन के पूरा भर दिल थे एकदम इतने ज़्यादा जितने भी इस्तेमाल होते हो। तो उकर बाद फिर हम इन देखबे के काम कितने हम इनकर यूज होला और हम इनके एखन तक सबसे ज़रूरी चीज़ जो रहोला जो शुरुआत करे कर गोबरे नहीं मिलो, अब एखन गोबर लाने हम इन भेजियो छुआ मन के कि जाओ और खोज के लेके आओ गोबर। तो मने लान बतून उकर बाद फिर हम इन शुरू करबे अपन जे भी जावा उठा कर जे प्रक्रिया है से के शुरू करबे। पहले लेके ऐसे करके पानी को घुमाना ठीक कहे तुम ही को करना पड़ेगा, तुम उठा रही है तो सब चीज दिखाओ, लो पकड़ो बाबू उसको दिखाओ तो पहले बताते हैं ऐसे ली है ना तो ऐसे करके 3 बार ऐसे ऐसे गोबर पानी को पहले करना पहले 3 बार। हाँ हाँ बस हो गया, अब गोबर को ठीक करो। तो नया नया हमें छुआ के सीखन सिखा दिए कि कैसे पूरा है। हाँ थोड़ा सा हटा दो बहुत ज़्यादा है इधर तो इखन तुहिन देख सके ना लिपाए गल और हमें जितने भी सामग्री होला जे हमें डालिए ला जैसे 7 तरह का 9 तरह कर या फिर 5 3 मतलब जोड़ा जे हम इन डालबे इकर में अनाज से जोड़ा नहीं होवे चाहे। तो इन्हें हम इन उरद हो उरद हो फिर जौ लागो फिर ई मड़वा लागो धान मकई और चना और मटर। तो यहाँ 7 तरह कर हम इन यहाँ डालबे और हम इनकर पूरा देख सके ना और एखन बाबू बालू डाल तो इसके बाद हाँ यहाँ निकालना बालू ना ये बीच यहाँ पर निकालो मगा से निकालना बाबू वैसे करो ना टोकरी से टोकरी लेके इन्हें एखन देख सके ना अखन तो सारा चीज़ हम आ जाओ और ई चीज़ के पूरा मिक्स करे ले यहाँ पानी
चूना और हल्दी के मिक्स के मिक्स करके मतलब एक घोल तैयार करे पड़ोला जेकर में चूना हल्दी डाल के पूरा मिक्स करके घोल तैयार होता और वही घोल से हम इनके ई चीज के पूरा साने को सादा पानी से हमें नहीं सान सकेला और ऐसने हल्दी से भी नहीं सान सकेला लेकिन मैं चूना और हल्दी के मिक्स करे पड़ोला जे हल्दी हो से हल्दी ई जे जावा निकल तो से हल्दी उ जावा के पीला करे में इस्तेमाल होतो कि वो हरा नहीं करे दे तो जितने भी जावा निकल तो छोटा छोटा अंकुरित होतो सब पीला निकलता उकर जे पत्ता हो जे हरियर नहीं होतो से ले हम इन हल्दी इस्तेमाल करिएला और चूना इकर में से इसीलिए डालिएला ताकि इकर में जे भी कीड़ा मकोड़ा हो से इस चीज़ के ना खा पाए और ई एकदम अच्छा से बढ़े और इकर में भी कीट पतंग जितने भी हो कुछ ना लागे ती मैंने खन बना था तुम डाले पानी ना डालो डालो ना थोड़ा सा बस डालो तो देखा एक रंग कैसे है गलो एकदम लाल और यह चीज हो जे की जावा में जावा के हरियर करे से रोकतो और कीट पतंग से भी रोकतो यह चीज जे बनवला से बहुत जरूरी हो जावा के उठा ले जावा के सब चीज से सुरक्षित रखे ले। हाँ देखा घोड़ा तो और इखे डाल तो हाँ लागोला खून जैसा एकदम कहा था तू नहीं मने तो देख सका ना हम इन पूरा चंगड़ बंगड़ छुआ मन के भी इमने भी इसीलिए लाने कर ये हो कि इमने आप तुम तो अपन जो रीति रिवाज हो से चीज़ की मैंने सीखब थून देखब थून जानब थे और हम इन के रीति रिवाज के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा थून तो इसीलिए हमेशा कोई भी रिचुअल्स होगला कोई भी मतलब जितना भी हम इनका रीति और रिवाज हो उस चीज़ में हम इनकी कोशिश करे चाहिए कि छवा पुता के हमेशा साथ में रखे उमन के बताए कि हम इन रीति रिवाज किस लिए करिए ला ये रीति रिवाज करे कर कारण का हो और कारण के साथ साथ में इके करे कर जो नियम हो से नियम क्या हो सबकर नियम अलग अलग होला हम मानी होला बट नियम के भी बतावा बच्चा मन के शामिल करा ऐसा नहीं कि बड़ा बुजुर्ग का काम हो तो तुहिन दूर रहा और नहीं जाना यह चीज़ हम इनके अपन संस्कृति से अपन रीति रिवाज से हम इनके अलग करौला और हम इनके पीछे ढकेल देवला अपन रीति रिवाज से दूर कर देवला इसीलिए तुहिन कोशिश करवा कि कुछ भी छोटा काम अगर घर में हुआ था रीति रिवाज हुआ तो उस चीज़ में छुआ पुता मन के हमेशा शामिल करवा उमन के बताबा सिखावा तब जाके हम इनकर जे भी संस्कृति हो जे भी हम इनके रीति रिवाज हो आगे बढ़तो और हम इन अपन आदिवासी कर जे भी पहचान हो के हमेशा बनाए रखबो अच्छा से। तो यहाँ देख सखन ये छुआ मन इतने सुंदर से खन आ हथुन बिहाने उठ के यह चीज़ एखन सीखबथुन और यह चीज़ इमन के आगे काम देतो और यह चीज़ आगे इमने लेके जातुन पीढ़ी दर पीढ़ी देखन तन्नू उसको अथी करो गढ़ा आ छानबी तो एखने से सीखत हो अगली बार तो छानबी उठाएगी ना छानबी तुम करेगी ना ठीक हाँ अपना गाली को कल दी है तुम तो ये कल कर रहो विश्वकर्मा पूजा सेल ऐसा कहा था तो अभी ईकर में सब चीज पानी नहीं पहले जितने भी जितना भी चीज है वो सबको डालो हाँ उसको पूरा डालो हाँ उरद डाल दे लो पहले फिर एखन जा रहा था जौ फिर एखन डाला था मड़ुआ फिर हो धान मकई दादी गीत गा दे बैठे ले तो और ये लागो मटर और चना इसको ये खाओगे उसको थोड़ा सा डालो और भी डालो करो ना उसको डालो
नेक्स्ट का गाड़ी आया तो काय तुम देखिए पूरा ये मैंने मिलाप थून अच्छा से पूरा बालू में के कर देते हूँ मिक्स करके और बहुत अच्छा से देखना अच्छे से करो और अच्छे मन से करो क्योंकि यही तुम्हारा हाथ का लगा हुआ अगर नए 9 दिन बाद नहीं उठाना निकला नहीं तो फिर देख लेना का दादी ओ है तो एकदम अच्छा से जावा निकले चाहिए नहीं तो बहुत मारब तुम सब पूरा मिला था और हम बता दे ओला वो जो है ना वो सबको डालो और तो क्या बोलते हो ना जे ये जावा जे हो इकर में जे भी की उठावला और हमें जे भी ई उठाए में इकर साथ देवत है इकर संगी बनत है हमें ई जावा उठाए कर जे भी कर ये हो नियम हो सेकर में तो जे जे उठात हो जैसे यहाँ तन्नु उठात हो तो तन्नु जब तक कर्म नहीं बीत जावला जब तक कर्मा पूजा नहीं हो जाता ई जे 9 दिन का क्रम हो तो से 9 दिन का क्रम में ई के मीट मछली कुछ नहीं खाए को ये सादा सादा खाता हूँ और सादा सादा खाए की ही इखे सबसे ज़्यादा सेवा करे खो और यह सेवा करता हूँ रोज़ सुबह शाम जाए कि ई जावा के उठाता और इकर साथ हमीन भी जावा और वो जावा के साथ में मिलके उठाए पड़ोला अगर इकर से कोई गलती होला जैसे माइन के इकर खाए पिए में ई अगर गलती कर देवोला तो उकर असर हम इनके जावा में देखे मिलता हूँ और शायद जावा में कुछ भी हो सकोला या तो कीड़ा लग जाता या तो जावा निकलता ही नहीं निकलता सेले इके बहुत सच्चे मन से और बहुत ही अच्छे से करेक पड़ोला बहुत ही कर खाए पिए में भी बहुत ध्यान देवे पड़ोला और कहते ना कि एक समय जिस तरह से हमें हल्दी डाला थी उस तरह अगर हमें हल्दी खा भाई तो ये अच्छा से नहीं हो तो पर अब देखिए ला तनु कैसन कैसन करोला 9 दिन में और 9 दिन कर बादे हम इन तो इनके दिखावो कि तन्नू कर हाथ कर जावा इस साल कैसा निकलवला और कितने सुंदर से निकलवला और एखनी और जे भी चीज़ों मैंने डाला था तू ना तखन शुरू में हमें तनी डाल रही है पर एखन और ज़रूरत हो कर में डाले कर पूरा अथी को डालिए थी मकई को बस धान खुलाओ तीनों में लाइक चाहो जाओ ताकि इकर से नीचे ये मन कर जड़ ना जाए सेले हमें नीचे भी इकर डालिए ला और तीन तीन अंचरा करके सब में डालो हम इनका पूरा टोकरी तैयार हो जाओ और इकर में ऊपर से तनी कुन छिड़कात हो नमी देवेले और जिस तरह इखनी नमी देवेले पूरा करे लायक हो उसी तरह हम इनके पूरा 9 दिन के जगाक जाक पड़तो सांझ के बिहान के और ऐसा नहीं कोई नमी और मतलब नमी देवे पड़तो चूना और हरदी से चूना हरदी पानी से मिला के बस ढक दे नहीं अभी मतलब तो इके ढाके भी पड़तो इकर में सूरज को रोशनी नहीं जाएक चाहिए अगर सूरज को रोशनी इकर में जाता हूँ तो ये एकदम हरा हो जाता हूँ अगर हाँ डंटा सबको लेकर चलो उधर नहीं जिसमें नहीं हो रहा ना उसमें डंटा लगाओ तोड़ बाबू तोड़ के दे हाँ दो लो दीदी ले रही है दीदी उसमें भी डंडा लगाना पड़ेगा
ऐसे और यहां बड़ा वाला ये बर्तन है ये सबसे बड़ा 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 और तो देख सकते हैं हम लोग का अभी पूरा तैयार हो चुका है। ढको बड़ा छोटा दोनों को मिला के ढको। हाँ और अभी अभी इसको हम लोग छाया में रखेंगे घर के अंदर ताकि वो ना हो। और तो हम लोग का जावा जो उठाने का जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है और हम लोग जहाँ रखते हैं जावा को वहाँ लेके चलेंगे अभी और वहाँ जाके रख देंगे और जो भी 9 दिन का काम होगा उसी घर में जाके हम लोग को करना पड़ेगा और बस वहीं होगा और वहीं जाके जावा उठा मतलब जगाना पड़ेगा। और अभी हम लोग लेके चलते हैं वहाँ हमीन जाती हमीन कर दादी लागोला सिक्कर घर। हम तुहिन की हुआ पहुंच के दिखाबो। हेलो आ गए तेन पहुंच गेल थुन दादू घर। दादू चलो काम पे लग जाओ। मिची को बोलते आहा ना आ इधर जल्दी आ नहीं जाएंगे बोल नहीं जा हम तो यहीं पे रहेंगे अभी। दादी पूरा दादी खाली करके रख दी है हम लोग के लिए। ते है ऊपरे हो मुझे मच्छा सेकर में खाना मीन राख भाई देख सके ना हुने और हमार दादी ही ने नीचे पूरा का बोल तू ना हड़िया उठा ले पूरा कोसना कह रहो और कर्मा कर ले कर्मा दिन एकदम पूरा निकलते ही हड़िया तो देख सके ना पूरा कोसना करल हो एकदम ध्यान न और हाथी करना नहीं होगा तो और मोही तुम ही रख दो ना कुर्सी ला एक ठो देखन बाबू हुआ राखे लाए गए ऊपरे। हाँ थोड़ा सा अंदर घुसाना ना। हाँ बस बस छानबी भैया को दो दे दो उसको भैया को रखेगा ऊपर दे दो जल्दी। हाँ देखन देख सके ना हम इनकर माचा में चढ़ जाओ और हिये रहता हूँ बिना धूप कर अथी में हिया निकल तो हम इनकर जावा वो भी पीला पीला और बहुत सुंदर। आज कर जे जावा कर उठाए कर जे नियम रहो जे भी जैसन जावा उठा तो ना आज हम अपन तरह से मतलब हम इनकर जैसे भी हम सीखियो वो कोशिश कर लियो तो इनके दिखाए कर और जहाँ भी होला ये हम इनकर दादी घर में आए के हम इन रख लियो और ऐसने 9 दिन आए के हिया हम इन सेवा करबई जे तनु उठा हो से आते वो सेवा कर तो हम इन भी साथे आबई जैसे आए जाइए। और बस हम इनकर जे आज कर व्लॉग रहो जो वीडियो रहो बस इतना ही और होप सो तू इनके वीडियो पसंद आ हो तो और वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब हम मिलेला नेक्स्ट वीडियो में और बस इंतजार रहता हूँ कर्मा कर तो बस स्टे ट्यून रहा और कर्मा कर इंतजार करा ठीक है।